साथ हाजिर हैं और देख सकते हैं हमारे पास एक ताश की गड्डी है और भी इसी का मैजिक आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा मैजिक है, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो आप सोचो कि कोई कार्ड का है, कोई किसी चीज़ का मैजिक है, वो कुछ नहीं है। ये इसमें मैजिक जो भी है हमने बनाया हूँ घर पे ही बनाया हूँ, उसको आप आसानी से घर पे बना सकते हो। आसानी से इसको घर पे बना करके लोगों को दिखा सकते हो, लोगों को हैरान कर सकते हो। तो हमारी वीडियो में आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं मैजिक एक्सपेरिमेंट की। और एक्सपेरिमेंट थोड़े से महंगे पड़ते हैं, इसलिए हम अभी एक्सपेरिमेंट के नहीं डाल पा रहे हैं, और जो मैजिक ट्रिक है वो घर पे बना सकते हैं आसानी से, इसलिए हम मैजिक ट्रिक के डाल रहे हैं। और कुछ दिन बाद हम एक्सपेरिमेंट के भी डालने लगते हैं। इसमें का मैजिक जो हमने बना रखा हूँ मैजिक, इसमें कौन सा मैंने मैजिक बनाया हूँ, कौन से घर पर मैंने मैजिक बनाया हूँ, उसको हम दिखाते हैं आपको किस तरह इस मैजिक को बनाया जाता है, किस तरह इस मैजिक को दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक टीली है जो कि टूथ पिन है, जो कि हम इसी से मैजिक आपको दिखाएंगे, और ये ताश की गड्डी है। पहले तो हम इस ताश की गड्डी को ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं ताश की गड्डी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ताश की गड्डी है, देख सकते हैं अच्छी तरीके, देख सकते हैं पूरे ताश है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें सारे ताश हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो हम इसमें क्या करते हैं, गड्डी निकालते हैं। पहले देखो गड्डी हमने निकाल लिया हूँ, ठीक है। तो गड्डी हमने निकालने के बाद हमने क्या करना है, दो ताश ले लेने हैं। देखो ये दो ताश हमने ले लिया हूँ, वो भी दो ताश जो हमने लिया हूँ तो उल्टा हमने रखे थे कि हमें पता लगे कि कौन से हमारे ताश हैं, तो हमने इनको ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं, हम गड्डी को हटा देते हैं, इस गड्डी से हमें कोई मतलब नहीं, अब इस गड्डी को हमें नहीं ज़रूरत है, हमने इस गड्डी को इधर डाल दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि हमारे पास दो ताश हैं, दो ताश के हैं, आप अच्छी तरीके देख सकते हैं, इधर से भी देख लो और इधर से भी देख लो, आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप अच्छी तरीके से देख लो दोनों ताश, और इधर से भी देख सकते हो दोनों ताश। आपको जो इसमें कोई चीज़ आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको इसमें, तो हम एक ताश का, ताश के पत्ते को यहाँ पे कर देता हूँ। अब इस ताश के पत्ते को क्या करना हमें है, देख सकते हैं इसमें हमने रखना है इसके ऊपर तीली, तीली इसके ऊपर रखना है, तीली तो ऐसे ही भाग रही है, हमने रख दिया हूँ। अब तीली इसके ऊपर भाग रही है, अब इसको हमें थोड़ा सा पंच करना है, थोड़ा सा आप फूंक मारो, फिर मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। और बहुत अच्छा मैजिक है, आप घर पे आसानी से बना सकते हो, बहुत अच्छा मैजिक है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैजिक है ये, आप देख सकते हैं। देखते तीली गिर गई, मैं दोबारा उठा लेता हूँ, देख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है, तो गाइस देख सकते हैं हमारी तीली जो है ऊपर उठ चुकी है, इसके नीचे हम पत्ता भी डाल रहे हैं, तो गाइस देख सकते हैं आप हवा में उड़ रही है, जिधर हम लेके जाएंगे उधर जाएगी। आप ये भी नहीं, हम दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ इस तीली को, देख सकते हैं आपको कैमरे में दिखाई दे रही हो तो देख सकते हैं, ये हवा में दिख रही है, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से। तो गाइस ये हमारा मैजिक आपको अच्छा, आपको कैसा लगा। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये है कि तीली हिल जाती है तो गिर जाती है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसमें कोई ट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो ये पता होता है, कुछ लोगों को नहीं। देखते हैं आपको किस तरह इसको बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैजिक में क्या था, इस मैजिक में सबसे मेन चीज़ ये थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया और एक ये होगी तीली हो गई। तो ये तीली जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई चीज़ लगी हुई है नहीं लगी हुई, इसके ऊपर पतली लेयर लगी होती है, देख सकते हैं आप, आपको दिखा देता हूँ। इसको हमने रख लिया, अब इसको थोड़ा सा पंच करेंगे, देखो देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से, देख सकते हैं कि ये जो तीली है हवा में उड़ने लगी है, हवा में उड़ रही है, किस लिए उड़ रही है आप देख सकते हैं, देखो
हवा में उड़ रही है ना, इस मैजिक को बनाने के लिए ना आपको बहुत सबसे बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक एक रबड़ आती है जो मैजिक धागा बोलते हैं, मैजिक धागा जो बोलते हैं, अमेजोन पे मिल जाता है वो। उस मैजिक धागे को आप ले लेना है, मैं इसको दिखा करके आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैं करके दिखा देता हूँ किस हिसाब से ये बनाया जाता है। इसको हम उठा लेते हैं, अब इसको हम फिर ऐसे कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। आपको हम कैमरे में दिखाने की कोशिश करूँगा जो इसमें लेयर लगे हुए हैं, देख सकते हैं। बहुत गौर से देखोगे तब ध्यान ध्यान से दिखाई देगा। देख सकते हैं इसमें दिखाई दे रहे होंगे पतले पतले से, ये देखो यहाँ से। अब इसको बनाने के लिए आपको करना है सबसे पहले क्या है, दो तास ले लेने हैं। मैं गड्डी ले लेता हूँ, ये रही, दो तास ले लेने हैं। सबसे पहले आपको जैसे कि आप देख सकते हैं दो तास हमने ले लिया हूँ इसके ऊपर। अब इसके ऊपर क्या करना, वो जो मैजिक धागा होता है, जो मैजिक धागा होता है ऐसे ही पत्ते पे बनेगा, सिंपल पत्ते पे नहीं बनेगा, इसके ऊपर पूरा लपेट दो। पूरा लपेटने के बाद में ना पूरा चारों तरफ से लपेट दोगे, फिर दूसरा जो ताश का पत्ता होता है उसको गूंद से चिपका देना है, इस तरह से चिपका देना है। जब इस तरह से आप चिपका दोगे ना इसको दोनों तरफ से, चिपकाने के बाद में इधर लेयर निकल जाए, लेयर रह जाएगी, जो धागा आप लपेटोगे इसके ऊपर लेयर रह जाएगी इस साइड में। इस साइड में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जैसे कि इसमें बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें बना हुआ है, इधर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, इसमें सॉरी, इसमें बना हुआ है, इधर से देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इधर से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर प्रिंट है, प्रिंट में ऐसे में पता नहीं लग रहा है। और इधर जो है, इधर वाले में कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि इसमें डबल जो टिक्का लगा हुआ है, डबल लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं हमने चिपका रखा हूँ, इसमें डबल लगा हुआ है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको ऐसे ही करना, आपको डबल चिपका देना है, और उस डबल जब चिपका दोगे इसको, जब भी आपको मैजिक करना है तो मैजिक करना है तो ऐसे करना है। मैंने चिपका लिया पत्ते को जैसे आपको बताया हूँ, अब इसको तीली हमने रख दिया हूँ, तीली रखने के बाद में इसको नीचे को थोड़ा सा प्रेस करना होता है। अब प्रेस करने के बाद में आप देख सकते हैं मैजिक ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, स्टाइल आपकी जो भी स्टाइल है, मैजिक गिली गिली छू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैजिक से तीली उड़ जाती है, तो मैजिक से नहीं उड़ती है, इसमें हमने ट्रिक किया हुआ हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हो वही हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट अपना बनाए रखो और हमें थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा फ्लावर का कलर कैसे चेंज करते हैं, वो भी इतना अच्छा मैजिक है, उसको भी आप आसानी से घर पे बना सकते हो। घर पे बनाने के लिए आपको हम दिखा देंगे कैसे हमने उस मैजिक को बनाया हूँ। मैजिक शॉप से आप खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, आप घर पे बना लोगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। वो भी मैजिक फ्लावर ऐसा होता है जो कि हर बार उसको जितनी बार डालोगे उतनी बार अलग कलर हो जाएगा, तो उसको बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको सीखने के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और हम इसकी जो अगली वीडियो डालेंगे उसमें आपको बता देंगे कैसे हमने फ्लावर की मैजिक फ्लावर मैजिक बनाया हूँ और कैसे हमने उसके कलर चेंज किया हूँ। अगली वीडियो में आपको सारा प्रोसेस उसका सिखा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो।